subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question करते हैं बच्चों. Good question है. New Company Limited has a nominal capital of ₹2,50,000 in shares of ₹10 each, मतलब 25,000 shares. फिलहाल 8,000 shares were issued by the public and during the first year सिर्फ ₹5 ही मंगाए हैं. 2 on application, 1 on allotment, 1 on first call and 1 on second call. Second call है. इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. मैंने आपको तब भी बताया था कि ₹5 मंगवाया, अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया, इसलिए सेकंड कॉल नाम लिखना, फाइनल कॉल मत लिख देना. अब इन 8,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स पे तो फुल अमाउंट आ गया, 1,250 शेयर्स पर ₹4 आए, 500 शेयर्स पर ₹3 आए और 250 शेयर्स पर ₹2 आए. अब ये कैसे आए वो मैं तुम्हारे को यहीं एक्सप्लेन करता हूं. एप्लीकेशन पर ₹2 मंगवाए, अलॉटमेंट पे हमने ₹1 मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे ₹1 और सेकंड कॉल पे ₹1, यानी कि जिसने सिर्फ एप्लीकेशन तक दिए उसने ₹2 दिए, जिसने अलॉटमेंट तक दिए उसने ₹3 दिए, जिसने फर्स्ट कॉल तक दिए उसने ₹4 दिए और जिसने सेकंड कॉल तक दे दिए उसने फुल अमाउंट दे दिया. सो 1,250 शेयर्स पर ₹4 आए हैं, मतलब उसने सेकंड कॉल पे नहीं, ठीक है, ₹4 तक तो दे दिए, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया, मतलब उसने सेकंड कॉल नहीं दी. 500 शेयर्स पर ₹3 आए हैं, ₹3 मतलब उसका अलॉटमेंट तक आया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने दे दिया, मतलब उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी. और 250 शेयर्स पर सिर्फ ₹2 आया, मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों तीनों ही कॉल्स नहीं, ठीक है. अब कंपनी ने वो शेयर्स, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 750 शेयर्स जिस पर ₹4 से कम पे हुआ है, ₹4 से कम, एक तो ये देखो बच्चों, ये रहे आपके 500 शेयर्स और 250 शेयर्स, 500 प्लस 250 750, न भी दिया होता तो आपको भी पता होना चाहिए 750 है, लिख भी दिया है 750 शेयर्स फॉरफिट कर लिए और बाद में रीइश्यू कर दिए ₹3 पर शेयर, ठीक है. अब आप इसको जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 8,000 शेयर्स हैं बच्चों, ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन है, ₹16,000 हो गए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरा 16,000 ट्रांसफर कर दिया, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हो गई. उसके बाद बच्चों अलॉटमेंट ड्यू किया, ₹1 पर शेयर है बच्चों, 8,000 शेयर्स पर, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 शेयर, ₹1 पर शेयर 8,000. और अब देखते हैं किसका पैसा रिसीव नहीं हुआ. मैंने आपको पहले बताया जो 250 शेयर्स हैं उस पर सिर्फ ₹2 आए हैं, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन आई है, तो उन 250 शेयर्स पर ही ₹1 की अलॉटमेंट, ₹250 हमें रिसीव नहीं हुए. 8,000 में से 250 रिसीव न हो तो बैलेंस ₹7,750 रिसीव हो गए, ठीक है. अब फर्स्ट कॉल की बारी आती है बच्चों. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन 8,000 शेयर्स, ₹1 पर शेयर हमने कॉल मंगाई, ₹8,000. और अब दो लोगों ने नहीं दिया, एक तो 250 शेयर्स जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं दिया था वो तो है ही, प्लस 500 शेयर्स और जिन पर सिर्फ ₹3 आए हैं, ₹3 मतलब उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दी है, तो 500 वो और 250 वो, 750 शेयर्स पर ₹1 पर शेयर ₹750 नहीं आया, बाकी 7,250 हमें रिसीव हो गए बच्चों. इसी तरह से सेकंड कॉल ड्यू करो एंड मंगवाओ बच्चों. शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल,
एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 8,000 शेयर्स पर ₹1 पर शेयर सेकंड कॉल मंगवाई और अब 250 प्लस 500 प्लस 1250 2,000 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ, बाकी 6,000 पर रिसीव। और वैसे भी लिखा हुआ था ओनली ऑन 6,000 शेयर्स फुल अमाउंट रिसीव हुआ, फुल मतलब सेकंड कॉल तक सिर्फ 6,000 शेयर्स ही मिले, ठीक है राइट। तो ये हमारी कॉल्स की एंट्रीज हो। अब 750 शेयर्स फॉरफिट कर लो बच्चों, और फॉरफीचर की एंट्री अब आप बेटर जानते हो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। सिर्फ 750 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, पूरे 2000 नहीं, हालांकि पैसा हमें 2000 शेयर्स में नहीं आया, लेकिन हम सिर्फ 750 शेयर्स ही प्रॉफिट कर रहे हैं, और उस पर भी कॉल्ड अप मनी है ₹5 पर शेयर 3,750। अब अलॉटमेंट में 250 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, दैट मीन्स ₹250। फर्स्ट कॉल में 250 प्लस 500 750 शेयर्स का पैसा नहीं आया था 750, और फाइनल कॉल में हालांकि 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, लेकिन हम तो सिर्फ 750 शेयर्स ही प्रॉफिट कर रहे हैं, तो सिर्फ 750 शेयर्स का ही नॉट रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे 750 शेयर्स इनटू ₹1 पर शेयर, ठीक है जी। बाकी बचा फॉरफिटेड में 2000 अमाउंट, और ये मैंने आपको क्रॉस चेक करना बताया अभी बच्चों कि कैसे चेक। 250 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं जिस पर ₹2 ही मिले थे, मतलब ₹500, और 500 शेयर्स ऐसे फॉरफिट किए हैं जिस पर ₹3 मिले थे, दैट मीन्स ₹1500। सो 500 ए के मिले, 1500 बी के मिले, टोटल मिलाकर हमें 2000 ही रिसीव हुए हैं इन 750 शेयर्स पर, तो यही ₹2000 हमें फॉरफिटर में नजर आ रहा है, ठीक है राइट। तो ये अपने आप में गुड एंट्री थी, बड़ा ध्यान रखना था कि सारे शेयर फॉरफिट नहीं करने और पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं। अब इसको रीइश्यू करने के बारे में बोल रहे हैं बच्चों, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 750 शेयर्स पूरे ही रीइश्यू करने के बारे में बोल रहे हैं, और पेड अप अमाउंट नहीं दिया हुआ। सो बच्चों जो कॉल्ड अप अमाउंट है ₹5, वही ₹5 पेड अप अमाउंट गिन लिया जाएगा, और हम रीइश्यू कर रहे हैं ₹3 पर शेयर पर, दैट मीन्स ₹2,250, ठीक है। बाकी 1500 बच्चों कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड में डेबिट हो गया, और बाकी बचा हुआ अमाउंट जितना भी बचा शेयर फॉरफिटेड में सारा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कोई पार्शल रीइश्यू तो है नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं 2000 क्रेडिट 1500 डेबिट, बाकी ₹500 बचा, ये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये फॉरफीचर की एंट्री है, और ये दोनों रीइश्यू की एंट्री है, और फुल रीइश्यू है, इसमें कुछ नहीं है। हो सकता है इन 750 में से हम कुछ कम शेयर्स रीइश्यू करते हैं, बट वो एक डिफरेंट केस हो जाता, अभी इस क्वेश्चन में हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। गॉट इट बच्चों, राइट, डन।